जिला ओबीसी प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पधारे अतिथिगण, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री श्रवणजीत अवर साहब, संयोजक राजेंद्र जी सेन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाजी मीणा साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक मदनलाल जी वर्मा, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कानूलाल जी साहब, पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश जी बोरा, राजीव जी वर्मा, अनिल जी मीणा, सामाजिक न्याय मंच के प्रदेश महासचिव क्षेत्रराज जी गहलोत और एसी प्रकोष्ठ के दुर्गा शंकर जी इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर रहे हैं। ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रोड सिंह जी साहब और इस कार्यक्रम में पधारी हमारी बहन चंपा वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद मजदूर महासभा की, और यहाँ पधारे सरपंच साहिबान सुनील सरपंच राजेंद्र सिंह जी, गुरड़ा जोगा से सरपंच भारत सिंह जी, जीजनी से सरपंच लक्ष्मण सिंह जी और पगारिया से सरपंच धीरव सिंह जी, नरवर सिंह जी साहब, सरदार सिंह जी सरपंच साहब और हमारे नगर कांग्रेस के साथीगण विनय जी आस्तोलिया, गोपाल जी जायसवाल, बजराज सिंह जी, लोकेश जी, लक्ष्मण सिंह जी और चैन सिंह जी, जुगनू भाई, हरीश राठौड़, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह जी, आवर से पधारे संजय जी, एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष अंकित जैन, डक से पधारे शंभू सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, ईश्वर सिंह जी तायका केड़ा और इंद्रपाल सिंह जी सरपंच साहब, सभी हमारे साथीगण, आईटी सेल के रिंकू भाई और मीडिया से 24 न्यूज चैनल से लोकेश जी मकवाना साहब, सभी कांग्रेस के साथीगण, साथियों बहुत खुशी की बात है कि रोड सिंह जी ने एक सुंदर जिला ओबीसी प्रकोष्ठ के सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले कुछ दिनों पूर्व वसुंधरा राजे ने राजस्थान में गौरव यात्रा निकाली। मैं पूछना चाहता हूँ वसुंधरा राजे से, आप काय की गौरव यात्रा निकाल रहे हो? राजस्थान का किसान परेशान है, राजस्थान में किसी भी प्रकार का हम गौरव महसूस नहीं कर रहे हैं। आप राजस्थान में किस प्रकार की गौरव यात्रा निकाल रहे हो? राजस्थान के जनता पूछना चाहती है आपसे कि आप राजस्थान में किस प्रकार की गौरव यात्रा निकाल रहे हो? 14 लाख युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिया, क्या इस प्रकार का गौरव यात्रा निकाल रहे हो आप? किसान जो राजस्थान का परेशान है, किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और आत्महत्या कर रहा है, क्या यही गौरव है राजस्थान का? बिजली के बीज जो किसानों को बड़ी मात्रा में मिल रहे, 50-50 हजार, 25-25 हजार के बिजली के बिल के झटके लग रहे किसानों को, क्या यही गौरव यात्रा निकाल रहे हो सुंदर राज्य आप? राजस्थान के जो गौरव था वो आपने खत्म कर दिया। राजस्थान में जो हमारे पूर्व कांग्रेस की सरकार ने एक मुफ्त दवा योजना लागू की थी वो आपने बंद कर दी, क्या राजस्थान का यही गौरव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार के राजस्थान को गौरव दिलाना चाहते हो? या राजस्थान को जो आपने 5 साल में अवनति के गड्ढे में पहुंचाया, क्या वो गौरव राजस्थान को प्राप्त होगा? नहीं। राजस्थान में जो गौरवशाली परंपराएं थी वो सब आपने खत्म कर दी। आपके और नरेंद्र मोदी के दोनों के अहंकारी युद्ध में राजस्थान 5 साल पिछड़ गया है। राजस्थान को जो पर्याप्त राशि केंद्र से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्या इस प्रकार का गौरव मनाएंगे हम राजस्थान में? जो महिला राजस्थान के गौरव की बात करती है, जो महिला राजस्थान के उद्धार की बात करती है, हम उससे पूछना चाहते हैं वसुंधरा राजे से कि क्या आप में महल में रह के उन किसानों का दर्द समझ पाओगी, उस आम आदमी की लाचारी समझ पाओगी? आपके राज्य में जिस प्रकार महिलाओं का दमन हुआ, जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार हुए, क्या यही गौरवशाली परंपरा है राजस्थान की? राजस्थान का बेटा सचिन पायलट जो किसानों का दर्द समझता है वो आप नहीं समझ सकते हो? उसी
राजस्थान के बेटे सचिन पायलट ने बारा से झालावाड़ तक किसान न्याय यात्रा निकाली और किसानों के हित के लिए, किसानों की वाजिब मांग के लिए 104 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की। एक ऐतिहासिक पद यात्रा थी राजस्थान में जो सचिन पायलट और कांग्रेस के लोगों ने किए। साथियों, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे अपने अहंकारी और घमंडी आचरण से 5 साल उन्होंने राजस्थान का बट्टा बिठा दिया, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह ने सिर्फ अपने जिद के आगे कांग्रेसियों का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनका अगर दुष्यंत सिंह का विकास अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ कांग्रेसियों का नुकसान किया, उसके अलावा उनके खाते में कोई विकास नहीं है। 15 साल हो गए उनको सांसद रहते हुए, वो केंद्र की कोई भी महत्वपूर्ण योजना राजस्थान में लागू नहीं कर पाए। जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी 2014 में मनमोहन सिंह जी की कई लोक कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान और पूरे भारत वर्ष में थी। जब 50 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम था तब बीजेपी के लोगों ने हाय तोबा मचा दी थी। आज 82 से 90 रुपए लीटर छू रहा है पेट्रोल डीजल, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं। 400 रुपए 317 रुपए सिलेंडर के दाम थे, 800 ऊपर हो गए, लेकिन इनको किसानों की गरीबों की कोई चिंता नहीं। इनको तो सिर्फ आपस में लड़ा के सत्ता प्राप्त करना और सत्ता पे बने रहने, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई मोरल नहीं है। जब वो संवैधानिक, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने कई आम सभाएं संबोधित करी, जब उन्होंने कहा कि मैं 56 इंच का सीना है पाकिस्तान को जवाब दूंगा, आज सीमा पे दुश्मन सर उठा रहा है, क्या स्थिति आप अपन सब जानते हैं। साथियों, ये स्थिति जो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फैसले हुए उनसे कई प्रकार से देश पिछड़ रहा है। जैसे उन्होंने नोटबंदी का जो फैसला लिया, इससे हमारी आर्थिक अवनति हुई। इस प्रकार के कई फैसले हैं जो भारत को पीछे जाने को मजबूर हो रहा है। ऐसी सरकार को आप सब अपन सब मिलकर उखाड़ के फेंके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब राजेश जी। अगले क्रम में